नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है, तो इसमें हम ये होम थिएटर रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें यही प्रॉब्लम है। तो आपने देखा कि इसमें जब भी जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो कितना इसमें नॉइस आ रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली ये पहली प्रॉब्लम नॉइस जो इस तरह की आती है वो कैपेसिटर की तरह कैपेसिटर का ही फॉल्ट होता है, क्योंकि वो सही से डीसी को प्योर नहीं कर पाता और फिर जो है हमारे होम थिएटर में नॉइस आना शुरू हो जाती है। तो चलिए हम इसे खोल के देख लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखो दोस्तों, हमारा होम थिएटर जो खुल गया, ये इसका मेन बोर्ड आ गया। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें कैपेसिटर जो है, एक तो बिल्कुल पूरी तरह ब्रस्ट हो गया है और दूसरा जो है वो भी पॉप अप हो गया है नीचे से। तो ये बेसिकली दोस्तों, कई बार क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ये कैपेसिटर जो है ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए देखेंगे इसकी कैप जो इसी के अंदर पड़ी होगी। ये देखिए, ये पड़ी है इसकी कैप, कितना ब्लास्ट हुआ है। तो ये देखिए, ये है 25 वोल्ट, 2200 माइक्रोफेरनहाइट्स। तो दोस्तों, अभी हम इसकी जगह नए कैपेसिटर्स लगाएंगे। तो चलिए पहले हम इन कैपेसिटर को निकाल लेंगे, दोनों कैपेसिटर्स को। ये देखिए, तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर बेस सप्लाई होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब पीछे से वोल्टेज बढ़ती है तो आगे जो है ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट भी ज़्यादा देने लगता है। 12 वोल्ट की जगह 15-16 वोल्ट आना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे कैपेसिटर जो हैं ख़राब हो जाते हैं। कई बार तो आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये इसके दोनों कैपेसिटर्स ख़राब हो गए हैं। ये देखिए, तो ये आपने डायरेक्शन का ध्यान रखना है। यहाँ पे ब्लैक मार्क है जिस साइड पे, वो हमारी नेगेटिव साइड है और दूसरी जो प्लेन वाली वो पॉजिटिव साइड, क्योंकि अगर आप कैपेसिटर उल्टा लगाएंगे तो फिर से ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा बड़ा कैपेसिटर से लगाएंगे इसमें, ये 4700 माइक्रो फेरनहाइट्स बाई 25 वोल्ट। तो दोनों कैपेसिटर हम बड़े लगाएंगे, उससे क्या होगा, एक तो हमारी वोल्टेज जो है अच्छी फिल्ट्रेशन होगी और दूसरा साउंड भी बढ़िया आएगी। तो ये देखिए, हमारा एक कैपेसिटर आ गया। तो दोनों कैपेसिटर हम सेम वैल्यू के लगाएंगे, थोड़े बड़े, जो कि 4700 माइक्रोफेरनहाइट्स भाई 25 वोल्ट। तो अगर आपके पास 30 वोल्ट के हैं तो आप 35 वोल्ट के भी लगा सकते हो। तो चलिए, दूसरा कैपेसिटर भी हम लगा लेंगे। तो ये हमारे कैपेसिटर्स लग गए हैं। तो चलिए एक बार हम ट्रांजिस्टर्स को देख लेंगे कि कहीं से कोई फटा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कई बार ट्रांजिस्टर भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखने में तीनों ठीक ही लग रहे हैं, तो हो सकता है कई बार अंदर से भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इसे अब लगा कर जो है चेक कर लेंगे एक बार। तो इसे थोड़ा बंद कर लेंगे, ये छोटा स्पीकर इसके साथ जोड़ लेंगे हम आउटपुट में। ये हमारा ऑन हो गया। ओम नमः शिवाय। Thank you.
दोस्तों देखा, जैसे आपने देखा कि हमारा छोटे स्पीकर में जो आवाज़ अच्छी आ रही है, लेकिन जो हमारा ये बेस वाला स्पीकर है, सब वूफर स्पीकर, तो ये काम नहीं कर रहा। तो चलिए अब हम इसके एम्पलीफायर को खोल के देख लेंगे कि इसके ट्रांजिस्टर में हो सकता है वो शॉर्ट हो गया, उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा हो। तो उससे पहले हम इसके लिए इसका जो है मेन एम्पलीफायर बोर्ड जो है खोल लेंगे, क्योंकि इसमें तीन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक जो है सब वूफर के लिए और दो लेफ्ट राइट छोटे स्पीकर्स के लिए। तो पहले हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि हमारा सब वूफर का जो है ट्रांजिस्टर, आउटपुट ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो उसके लिए हम देखेंगे, ये देखिए सब वूफर की वायर जो है वाइट और ये दूसरे कलर की वायर है, तो ये हम देखते हुए जाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है, तो इसके नीचे वाला ये जो है ट्रांजिस्टर सब वूफर के लिए लगाया हुआ है इन्होंने। तो चलिए हम इसे पहले चेक करेंगे कि इस पे वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस वगैरह वोल्टेज आगे सप्लाई नहीं जा रही होगी, तो उसके लिए हम अपने वोल्ट मीटर को डीसी पर सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट होगा। तो उसके लिए हम ये पुराने ट्रांजिस्टर को डिसोल्डर वायर की मदद से हम निकाल लेंगे। तो बड़े ध्यान से ये धीरे धीरे से निकालना है ताकि ट्रैक जो है ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमें फिर से नया ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाना है। तो देखना है ट्रांजिस्टर जो निकालो सेम नंबर का ही लगाना है आपने, जैसे इसमें होता है TDA2030A, तो हमें सेम ट्रांजिस्टर लगाना होगा। तो पहले हम पुराने वाले जो शॉर्ट ट्रांजिस्टर है उसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ट्रांजिस्टर जो है निकल गया। तो अभी मैं इसका आपको नंबर दिखाऊंगा, तो ये देखिए TDA2030A, तो हमें सेम नंबर का ये नया ट्रांजिस्टर है जो इसमें लगाएंगे। तो पहले हम उसको बोर्ड में लगा लेते हैं इस तरह से। तो फिर इसकी जो हीट सिंक है उसके साथ इसके नट को हम टाइट कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये गर्म ना हो। चलिए हम इसको अभी सोल्डर कर लेंगे अकेले, अच्छे से इसको ध्यान से करना है ताकि आपस में पॉइंट जो है शॉर्ट ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ट्रांजिस्टर सोल्डर हो गया। तो हम अभी इसको चेक करने के लिए इसमें से छोटा स्क्रू ड्राइवर से चेक कर लेंगे कि कहीं पे शॉर्टेज ना हो जाए। तो चलिए एम्पलीफायर को फिर से लगा देंगे इसके साथ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाओगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई मदद की कोई ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको पहले फिट कर लेंगे। चलो नट इसके लगा लेते हैं, हो सकता है हमें फिर से खोलना पड़े, लेकिन शायद नहीं भी खोलना पड़ सकता है। तो इसको हम नाइट सभी नट जो है आपने संभाल के रखने हैं और दोबारा जैसे लगे थे वैसे ही अच्छी तरह टाइट कर देने हैं, क्योंकि अगर ये ढीले होंगे तो फिर एयर लीक होगी, तो हमारा जो बेस जो है वो अच्छे से नहीं चलेगा।
ये हमारा हो गया। तो देखिए जिस तरह से इसका जो है सब वूफर वाला बेस वाला स्पीकर बंद हुआ, तो कई बार क्या होता है कि छोटे स्पीकर भी बंद हो सकते हैं। तो आपने इसी तरह वो ट्रैक करके देखना कि उसका कौन सा आउटपुट ट्रांजिस्टर है, और बस आपने पहले तो वोल्टेज चेक करनी है, तो उसके बाद ट्रांजिस्टर चेंज करके देख लेना है। तो मैक्सिमम जो है ट्रांजिस्टर का ही फॉल्ट होता है, जहाँ तो सप्लाई का, तो अगर सप्लाई का होगा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो अगर ट्रांजिस्टर का फॉल्ट होगा वो चलेगा लेकिन साउंड नहीं देगा। तो चलिए एक बार हम फिर से इसे चेक कर लेंगे। बॉम्बे हो जलंधर दीवाट खा।